वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 17, जर्नी ऑफ अ लेटर पार्ट 1। तो इधर ये पिक्चर में हमको क्या दिया गया है, लेटर दिया गया है। तो इधर क्या लिखा गया है, सलमान ब्लॉक सी हाउस नंबर 15 दरियापुर अहमदाबाद। तो इधर ये क्या लिखा गया है, ये पिन कोड नंबर है 380001। तो ये अहमदाबाद का पिन कोड दिया गया है। तो समीरा, तो समीरा ने किसको लेटर लिखा, सलमान को लेटर लिखा। तो जिसको हम लेटर लिखते हैं तो उनका पूरा एड्रेस हमको लेटर में इधर लिखना पड़ता है। तो समीरा ने क्या लिखा वो हम देखते हैं। सलमान टेल मी हाउ आर यू, सलमान तुम मुझे बताओ कैसे हो। वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अ लॉट, हम सारे फैन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। होप यू विल कम टू बड़ोदा इन द वैकेशन, हम आशा रखते हैं कि वैकेशन में तुम बड़ोदा आओगे। रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स योर्स समीरा। तो समीरा ने सलमान को लेटर लिखा, उनका उसको पूरा एड्रेस भी यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो समीरा ने ऐसे सलमान को लेटर लिखा। आई एम अ लेटर, मैं लेटर हूं। आई एम रिटर्न विथ अ पेन एंड पेपर बाय समीरा टू हर फ्रेंड सलमान। तो समीरा ने उसके फ्रेंड सलमान को पेन एंड पेपर के द्वारा मेरे को लिखा, यानी लेटर खुद बोल रहा है, बता रहा है कि समीरा ने अपने फैन सलमान को पेन एंड पेपर के द्वारा मेरे को लिखा। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, मेरे को लेटर बॉक्स में रखा गया। तो ये कौन बोल रहा है, लेटर कह रहा है। द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग, तो पोस्टमैन ने मेरे को बाहर निकाला एंड बिग बैग में रखा। तो सर लेटर बता रहा है। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन बाइसिकल आई रीच द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्टमैन की बाइसिकल से राइडिंग करने से मैं कहां पहुंचा, पोस्टमैन ने बाइसिकल से उनको राइडिंग कराया तो कहां पहुंचा, वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा। देयर I was taken out of the big bag and stamp her, तो big bag में से मेरे को बाहर निकला गया ने मेरे ऊपर stamp लगाए। The stamp was of Vadodara from where my travel began, तो Vadodara का stamp लगाया गया कि जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। After getting stamp I reach another big bag, तो स्टैम्प लगने के बाद मेरे को अनदर बिग बैग में मैं पहुंचा। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर अहमदाबाद, तो उस बैग में मैनी मोर लेटर्स है, तो उसमें किसका हेडिंग था, ऑल लेटर में अहमदाबाद का ही हेडिंग था। तो इस बैग में पहले से काफी सारे लेटर थे, तो उस सब में अहमदाबाद का ही लेटर था। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन, तो रेड पोस्टल वैन जो है उन्होंने मेरे को रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया। देयर आई गॉट इन टू अ ट्रेन गोइंग टू अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में मैं बैठ गया। अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में मैं बैठ गया उसमें। After a journey of the one day, I reach Ahmedabad. तो एक दिन की जर्नी के बाद मैं अहमदाबाद पहुंचा। I was sorted as per the area mentioned in the address written on me. तो उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा गया था तो उसमें वो एरिया मेंशन किया हुआ होता है, इस तरीके से मेरे को सॉर्टेड आउट किया। तो ऐसे एरिया वाइज जो उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ होता है एंड उसके ऊपर उनके हिसाब से जो एरिया होता है उसके हिसाब से लेटर को
सॉर्टेड करते हैं। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, तो मेरे पर वन मोर स्टैम्प रखा गया, के ऊपर एक स्टैम्प लगाया गया फिर से। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप मी एट सलमान्स हाउस, तो फाइनली पोस्टमैन ने मेरे को सलमान के हाउस पर ड्रॉप कर दिया। अब हम आगे देखेंगे। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स, तो पिक्चर के थ्रू लेटर की जर्नी नीचे दी गई है। द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस, तो पिक्चर जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। अरेंज दिस टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल, तो करेक्ट सीक्वेंस में उनको अरेंज करना है एंड सर्कल में नंबर रखना है, सर्कल में नंबर हमको लिखना है। तो ये जो पिक्चर है वो किसके है, लेटर के, जर्नी के ही है, तो वो करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। तो हम करेक्ट सीक्वेंस में देखते हैं। तो पहला क्या आएगा, ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, पहले लेटर की जर्नी जब स्टार्ट होते फर्स्ट क्या आएगा, ये लेटर लिख रहा है, तो इसको हम क्या नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर देंगे। तो उसके बाद क्या होता है, लेटर को जो लेटर बॉक्स जो होता है उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो जिसने लेटर लिखा उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया गया लेटर को, इसलिए इधर दूसरा नंबर आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्या आएगा, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि पोस्टमैन जो है वो लेटर बॉक्स में से लेटर को निकलता है, तो तीसरा नंबर ये आएगा। उसके बाद आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो भी लेटर जो होते हैं उसके ऊपर स्टैम्प लगाया जाते हैं, तो कौन सा नंबर आएगा, फोर्थ नंबर ये आएगा। उसके बाद क्या होता है, इधर अहमदाबाद की बात हो रही, तो अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन जो होती है तो उसमें उनको रखा गया जाता है, तो फिफ्थ नंबर ये आएगा। तो उसके बाद क्या होता है, अहमदाबाद पहुंच जाने के बाद, तो अहमदाबाद पहुंच जाने के बाद आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि उनके ऊपर जो एड्रेस लिखा गया होता है, तो एड्रेस के हिसाब से उनके ऊपर एरिया मेंशन किया हुआ होता है, तो एरिया के हिसाब से उनको अलग अलग रखते है। टेम डेवल का अलग अलग जो भी एरिया मेंशन किया है इसी हिसाब से उसको आप इस पिक्चर में देख सकते हो, उसको सॉर्टेड करते हैं, अलग अलग सबको रखा जाता है एरिया के हिसाब से। तो इधर ये सॉर्टेड किया हुआ होता है एरिया के हिसाब से रखा जाता है, तो इधर सिक्स नंबर आएगा। उसके बाद क्या होता है, जब पोस्टमैन जो है तो आपने जिसको भी लेटर लिखा है तो वो वहां क्या करने जाता है, डालने के लिए जाता है लेटर, इधर क्या कौन सा नंबर आएगा, सेवन नंबर आएगा। और लास्ट में आप जिसको लेटर लिख रहे हो तो वो लेटर उनको मिल जाता है, तो इधर एट नंबर आएगा। तो ये हमने पूरी लेटर की जर्नी देख ली, तो उनको हमने प्रॉपर सीक्वेंस में भी, करेक्ट सीक्वेंस में भी हमने अरेंज कर दिया। अब हम आगे देखेंगे। समीरा रोट अ लेटर टू सलमान, समीरा ने सलमान को लेटर लिखा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास, तो क्लास में आपके फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम, तो जब आप लेटर लिखते हो तब आपको आपका फ्रेंड्स का नाम लिखने का भूलना नहीं है, उनका आपको नेम लिखना है। एवरी वन हैज रिटन अ लेटर, सबको लेटर लिखना है। बट वेयर डू वी पोस्ट इट, तो हम जो लेटर जो लिखते हैं तो उनको हम कहां पोस्ट करेंगे, तब हम आगे देखेंगे। मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास, तो लेटर बॉक्स बनाना है हमको, तो क्या करेंगे, पहले टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स, तो आपको जो शूज का जो बॉक्स होता है तो आपको खाली शूज बॉक्स लेना है, जूते का बॉक्स खाली लेना है। उसके बाद क्या करना है, पेंट इट विथ रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट, तो उसके ऊपर रेड कलर से पेंट करना है और उसके ऊपर रेड पेपर भी पेस्ट कर सकते हो।
तो उसके बाद क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स के कवर में सीजर्स की हेल्प से उसमें क्या करना है, स्लिट करना है, यानी छेद पाना है। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू पुट इन। तो उसके अंदर लेटर इजीली आ जाए, तो ऐसा ही उसके हिसाब से ही इनफ ही हमको उसके अंदर छेद पन्ना है कि जो लेटर जो है तो उसमें इजीली रख दिया जाए, तो उसके हिसाब से आपको स्लिप करना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।